अर्थव्यवस्था में मजदूर वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बड़े पैमाने पर मजदूर मुंबई और आसपास के शहरों को छोड़कर वापस अपने अपने गृह राज्य लौट गए। और इसका असर ये हुआ कि शहर के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ठप पड़ गए या उनके काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। और यही वजह है कि आज कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने मजदूरों को विमान के जरिए वापस उनके गृह राज्य से लाना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल पटेल, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। कल्याण के पटरी पुल के वाइडनिंग का जो काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट को ये संभाल रहे हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, इस बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उसकी वजह से किस तरह की दिक्कत आपको आई और किस वजह से ये काम जो है स्लो डाउन हो गया? देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम तो थी हमारे साथ, जैसे कि अभी समझ लीजिए बाहर से बहुत सारे मटेरियल हमको परचेस करना रहता है, या जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होता है हमको, कंक्रीट, स्टील, ये सब, ये सारे मटेरियल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन सारे बंद थे या उसका रिसोर्सेज सारे बंद थे, इसके लिए वो एक प्रॉब्लम था। और दूसरा, अपना मेन जो फोकस है हमारा ओपन वेब गर्डर में, ओपन वेब गर्डर लॉन्चिंग के लिए जो मुझे मैन पावर स्पेशल लेबर जो है, स्किल्ड लेबर गैंग है, वो लेबर गैंग मुझे मोबिलाइज करना था, तो वो लॉकडाउन की वजह से उनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए फिर वो एक दो तीन महीना मतलब वो लेबर आ नहीं पाए। अभी जैसे फ्लाइट्स वगैरह चालू हो गया तो फिर वो लेबर धीमे धीमे आना चालू हो गया, लेबर को हमने बुलाना चालू कर दिया। अच्छा, ये बात तो बहुत ही चौंकाने वाली है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने मजदूरों को फ्लाइट से लेकर आ रहा है, ऐसे आमतौर पर देखा नहीं गया है, तो इतनी क्या मतलब अर्जेंसी थी कि आपने इतना स्पेंड किया और उन मजदूरों को जो है आप फ्लाइट से लेकर आए? सर देखिए, ये कल्याण पटरी पुल प्रोजेक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण की पब्लिक के लिए भी है और हमारे लिए भी बहुत बड़ा ये है, ये प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए क्या हमने इसमें इकोनॉमिकली कुछ ऐसा ये नहीं देख रहे कि लेबर को लाने में हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है या पैसा ज़्यादा चला जाएगा, वो नहीं। हमारा एक ही ये है, हमारा डायरेक्टर मिस्टर दीपक मंगल सर का एक ही ये है कि पैसा मत देखो, किसी भी कंडीशन में प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करो, तो उस हिसाब से हमने लेबर को लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक आप कितने लेबर्स लेकर आए हैं और किन किन राज्यों से कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं आप? सर अभी तो लगभग 20 लेबर आ गए हैं मेरे पास, स्किल्ड लेबर जो है वो 20 लेबर आए हैं, वो एक लेबर उसमें से बिहार से है और बाकी 19 लेबर जो है वो वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट का है सर। और कितने लेबर आप मंगाने वाले हैं? 10 लेबर और आने वाले, 10 लेबर और आने वाले, जो 25th को यहाँ पे पहुँच जाएंगे, 24th का उनका टिकट था तो कैंसिल हो गया, 25th में ही हो गया, तो 24th को यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सभी लेबर फ्लाइट से आप बुला रहे हैं? सब लेबर फ्लाइट से आ रहे हैं, सब लेबर फ्लाइट से आ रहे हैं। हमारे साथ ये वे सारे मजदूर हैं जिन्हें कि इनके कॉन्ट्रैक्टर विमान के जरिए बिहार से और पश्चिम बंगाल से लेकर आए हैं। ये अमित हैं जो कि पटना के रहने वाले हैं, ये सुनील हैं जो कि पश्चिम बंगाल में मालदा के रहने वाले हैं, और बाकी के सब इनके साथी हैं। ये तमाम लोग जो है विमान से हाल ही में मुंबई से सटे कल्याण में, जहाँ पर ये काम चल रहा है पटरी पुल के वाइडनिंग का, उसके लिए यहाँ पर लाए गए हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अमित, आप बताइए कि ये पहली बार आपने विमान का सफर किया है? पहली बार किए थे, बहुत बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ यार, कंपनी अपना बुलाया, बढ़िया से रख रहा, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आपके गृह राज्य में बिहार में क्या रोजगार के मौके नहीं मिल रहे थे जो आपको लगा कि अब वापस यहाँ पर आना चाहिए महाराष्ट्र में? वो तो अभी सर बिहार में अभी दिक्कत है, कंपनी उम्बनी नहीं है, वही से आने पर हम लोग का, और कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन के पहले आप कहाँ पर काम कर रहे थे? हम लॉकडाउन के पहले हम पटने में काम कर रहे थे। सुनील, आप बताइए जो है आपका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया है सर, हम जो है बढ़िया, पहली बार फ्लाइट में आया, हाँ सब लोग ने बुलाया मुझे, हाँ बहुत बढ़िया लगा, पहली बार फ्लाइट में चढ़ा ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और बंगाल में, हाँ मेरा घर बंगाल है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में प्राणपुर घर है, हाँ वहाँ पर तो अभी लॉकडाउन के टाइम है ना, बहुत दिक्कत आ रहा था काम काज के लिए, पैसे की बहुत दिक्कत है, इसीलिए सोचा कि चलो, हाँ सब लोग बुला रहे हैं तो चलो वहीं काम करते हैं, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हर चीज़ जो है ना सब बोलने से ही आगे लगा देता है। आपका परिवार वहीं पर है? हाँ परिवार वहीं है, बंगाल में ही परिवार है मेरा। इसके पहले आप क्या काम करते थे लॉकडाउन के पहले? इससे पहले मैं मिस्त्री था,
मिस्त्री काम कर रहा था। कहाँ पर? बंगाल में ही, घर में ही काम कर रहा था। वहाँ लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया ना, इसीलिए मेरे को मजबूरी इधर आना पड़ा। तो अभी यहाँ पर आपकी देख रेख अच्छे से हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही हो रहा है, इधर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब लोग है ना, हाँ इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब दूसरे राज्य में आकर क्यों काम करना पड़ रहा है? यहाँ तो मुंबई और कल्याण से तो लाखों की तादाद में जो है मजदूर यहाँ से वापस लौटे हैं अपने अपने गृह राज्य में, तो आपको आपके गृह राज्य में बंगाल में इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, इसी के लिए आप ये सोच कर आए हैं? हाँ जी, यही सोच के मैं आया हूँ कि उधर तो काम नहीं मिले, इधर जब काम मिल रहा है। और सबसे सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भूखे हैं ना, हाँ अगर पैसा नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ से खाएगा, अपने पेट पालेगा, परिवार के पेट कहाँ से पालूंगा, इसलिए मजबूरी फिर आने पड़ा इधर, तो काम नहीं करेंगे तो खाना तो नहीं मिलेगा ना, इसीलिए मेरे को आना पड़ा इधर। हाँ, इधर आके कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ सही है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में मजदूर अपने अपने गृह राज्य को लौट गए। हालांकि अब मजदूरों ने वापस आना भी शुरू कर दिया है, लेकिन वापस पहले जैसी स्थिति के आने में अभी काफी समय लग सकता है। ABP News, आपको रखे आगे।